नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, आज मैंने सोचा कि कुछ डाटा आपको दिया जाए, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे और मेरे पास ये कुछ मोटरों के मैंने डेटा बना रखे थे, तो ये डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास एक डेटा है मिनी एग्जस्ट फैन का। जी हाँ दोस्तों, मिनी एग्जस्ट फैन या कूलर का। तो सबसे पहले इसमें स्लॉट 24 हैं, स्टेटर साइज 0.5 इंच का है, गेज इसमें 35 नंबर है, पिच 8, 10, 12 है, और क्वाइल लेंथ रनिंग में 27 है, 26 इंच है स्टार्टिंग में, 300-250 टर्न है, 2880 आरपीएम में 1-3 में इसमें कनेक्शन है। दोस्तों, जो दूसरा डेटा मेरे पास है वो है टेबल फैन 16 स्लॉट मोटर का। यह मोटर जो होती है 16 स्लॉट की होती है, 1 इंच का इसका स्टेटर साइज होता है, गेज 35 नंबर इसमें डलता है, पिच इसकी 1-4 होती है, और रनिंग में 6.5 इंच की कॉइल और स्टार्टिंग में 6 इंच की कॉइल डाली जाती है, टोटल कॉइल 8 होती है, और टर्न रनिंग में 618 और स्टार्टिंग में 616 होता है, कनेक्शन 1-3 में 1440 आरपीएम में। और यहाँ पे है 24 स्लॉट एग्जस्ट कूलर की मोटर। जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी मोटर होती है, यह 1.5 इंच इसका स्टेटर साइज है, 24 स्लॉट की है, 27 नंबर गेज रनिंग में लगेगा और स्टार्टिंग में 29 नंबर गेज लगेगा, पिच 1-4, 1-6 रहेगा, कॉइल लेंथ रनिंग में 27 इंच और स्टार्टिंग में 26.5 इंच रहेगा, और टर्न रनिंग में 100 और 110 स्टार्टिंग, 1440 आरपीएम में 1-3 में कनेक्शन। दोस्तों, अगला डेटा है दोस्तों 5 ब्लेड कूलर किट का। जी हाँ दोस्तों, जो कूलर किट आती है इसका नॉर्मली वाली, 24 स्लॉट की है, 1 इंच स्टेटर साइज, रनिंग में 30 नंबर गेज और स्टार्टिंग में 32 नंबर गेज, और पिच रहेगी 1-4, 1-6, और कॉइल की लंबाई रहेगी रनिंग में 37 इंच की और स्टार्टिंग में 29 इंच की, टर्न रहेंगे रनिंग में 100 स्टार्टिंग में 110, आरपीएम रहेंगे 1440, कनेक्शन रहेंगे 1-3 में। अगली दोस्तों 2 ब्लेड फ्राटा फैन, ठीक है, तो 2 ब्लेड फ्राटा फैन में 24 स्लॉट की मोटर है और स्टेटर साइज 1 इंच है, गेज 30-32 है, और पिच 1-8, 1-10, 1-12 है, और कॉइल लेंथ 31 इंच है, रनिंग में स्टार्टिंग में 30 इंच है, और टर्न रनिंग में 230 हैं, स्टार्टिंग में 210 है, आरपीएम 2880 में है, और कनेक्शन 1-3 में इसके होते हैं। अगला दोस्तों फ्राटा फैन 5 ब्लेड का डेटा, तो इसमें 24 स्लॉट की मोटर है 1 इंच की, और गेज रनिंग में 30 नंबर, स्टार्टिंग में 32 नंबर, पिच रहेगा 1-4, 1-6, कॉइल की लंबाई 21 इंच है रनिंग स्टार्टिंग दोनों में, टर्न 160 रहेंगे सभी कॉइल में रनिंग स्टार्टिंग दोनों में, आरपीएम रहेंगे 1440 और कनेक्शन रहेंगे 1-3 के अंदर। जी हाँ दोस्तों, तो रनिंग स्टार्टिंग का लगभग डेटा सेम है, गेज अलग है। यहाँ पे 36 स्लॉट कूलर मोटर है, स्लॉट 36 है, 1 इंच स्टेटर साइज है, गेज रनिंग में 29 नंबर, स्टार्टिंग में 33 नंबर, पिच रहेगा रनिंग का 1-5, 1-7, 1-9, स्टार्टिंग का रहेगा 1-6, 1-8, 1-10, कॉइल लेंथ रहेगी 38, ठीक है, 38.5 और स्टार्टिंग में 32.5। जी हाँ दोस्तों, 120-130 टर्न रहेंगे। और यहाँ पे दोस्तों टेबल फैन विदाउट कैपेसिटर का जो आता है, बिना कैपेसिटर वाला टेबल फैन आता है, 26 mm इसका स्टेटर साइज है, 4 स्लॉट का फ़ैन आता है, फ़ैन की मोटर होती है, और गेज इसके अंदर दोस्तों 30 नंबर डलेगा रनिंग स्टार्टिंग दोनों में, पिच 1-2 रहेगी, 6 इंच की कॉइल रहेगी, 600 टर्न रहेंगे सभी, 1440 आरपीएम में है, 1-3 में कनेक्शन रहेंगे। जो अगला डेटा है दोस्तों 24 स्लॉट मधानी मोटर का है, 24 स्लॉट के मधानी मोटर है, 0.5 HP से 1 इंच का स्टार्टर साइज में लगा सकते हैं, 35 नंबर गेज रहेगा, 1-4, 1-6 में पिच रहेगी, पिच बनानी है, और कॉइल की लंबाई 19 इंच रहेगी, अगर स्टेटर 1 इंच से थोड़ा बड़ा है तो आप कॉइल लेंथ बढ़ा सकते हैं, और टर्न सभी कॉइलों में सेम 200 रहेंगे, 1440 आरपीएम में 1-3 में कनेक्शन रहेगा।
गला है दोस्तों 24 वोल्ट सीलिंग फ़ैन, जो हाथ से बांधने वाली मोटर होती है सीलिंग फ़ैन की, उसकी बता रहा हूँ। स्टेटर साइज आधा इंच रहेगा, गेज 35 नंबर, पिच 1 से 4 1 से 6, कॉइल लेंथ रनिंग में 17 इंच की कॉइल, स्टार्टिंग में 15 इंच की कॉइल, टर्न रहेंगे 200, आरपीएम 850, कनेक्शन 1 से 3 में रहेंगे। दोस्तों हाई स्पीड कूलर, जी हाँ दोस्तों, जो कूलर किट आती है उसको हाई स्पीड में रिवाइंड करने का फार्मूला है। 24 स्लॉट की मोटर होती है, 1 इंच स्टेटर साइज, 30-32 में रिवाइंड करना है, पिच रहेगी 1 से 4 1 से 6, कॉइल लेंथ रहेगी 37 इंच और स्टार्टिंग में 31, रनिंग में 37, स्टार्टिंग में 31, और टर्न यहाँ पे बदली जाएंगी, 80 टर्न यहाँ पे करे जाएंगे रनिंग में और 110 टर्न यहाँ पे करे जाएंगे स्टार्टिंग में, 1440 आरपीएम, 1 से 3 में कनेक्शन। ये डेटा लगाने से आपका कूलर हाई स्पीड पर चलेगा, तेज चलेगा। अगला दोस्तों मधानी और टेबल फ़ैन, एक 8 स्लॉट की मोटर आती है उसको मधानी और टेबल फ़ैन में फिट कर सकते हैं। तो उसका डेटा, 1 इंच स्टेटर साइज है, 35 नंबर गेज है, पीछे 1 से 2, और कॉइल की लंबाई है 3.8 इंच, 900 टर्न रहेंगे सभी कॉइलों में, 900 900, 1440 आरपीएम में मोटर रिवाइंड होती है, 1 से 3 में मोटर के कनेक्शन रहते हैं दोस्तों। अगली मोटर है दोस्तों टू ब्लेड फ्राटा चैन वाइंडिंग, जी हाँ दोस्तों 2880 में चैन वाइंडिंग फ्राटा फैन की, दो पंखड़ी वाले की। तो 24 स्लॉट रहेंगे, 1 इंच का स्टेटर साइज, गेज रहेगा 32 नंबर, पिच रहेगा 1 से 8, कॉइल की लंबाई रहेगी 9.5 इंच, टर्न रहेंगी सभी कॉइलों में 120 120, और आरपीएम रहेंगे 2880, कनेक्शन 1 से 3 में। वाइंडिंग वीडियो सभी की डाल रखी है मैंने, तो देख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों 3 HP सिंगल फेस चक्की मोटर का डेटा यहाँ पे दे रहा हूँ, 36 स्लॉट की मोटर 1440 आरपीएम में सिंगल फेस में, रनिंग में तार डलेगा 19.5 नंबर, रनिंग के अंदर जो टर्न है 1 से 4 वाली पिच में 35, 1 से 6 वाली में 45, 1 से 8 वाली में 55, 1 से 10 वाली में 28 रहेंगे, और यहाँ स्टार्टिंग का गेज रहेगा 23 नंबर, टर्न रहेंगे 1 से 5 में 30, 1 से 7 में 40, 1 से 9 में 50। तो इस तरह से मोटर को आप रिवाइंड कर सकते हो, 3 HP सिंगल फेस चक्की मोटर में ये डाटा आप लगा सकते हो। ये डाटा है 2 HP सिंगल फेस चक्की मोटर का, 36 स्लॉट की मोटर 1440 आरपीएम में, रनिंग का डाटा है, रनिंग में गेज है 20 नंबर, सिंगल टर्न है 1 से 4 में 30, 1 से 6 में 40, 1 से 8 में 50, 1 से 10 में 25, और स्टार्टिंग में 22 नंबर गेज रहेगा, टर्न रहेंगे 1 से 5 में 30, 1 से 7 में 40, 1 से 9 में 50। तो पिच भी मैंने यहाँ पे लिख दी है और टर्न भी यहाँ पे लिख दिए हैं, और जो स्टेटर साइज इस मोटर का 3 इंच का है, रनिंग कॉइल की जो छोटी वाली कॉइल है 10 इंच की है, स्टार्टिंग की जो छोटी वाली 11.5 इंच की, टोटल वेट 1800 ग्राम रहेगा कॉपर का, और गैप रहेगा कॉइल का 2.5 इंच का, और कनेक्शन 1 से 3 में रहेंगे। दोस्तों ये है 0.5 HP टुल्लू पंप का, 10 HP टुल्लू पंप मोटर का, रनिंग में गेज रहेगा 25 नंबर, टर्न रहेंगे 1 से 6 में 45, 1 से 8 में 90, 1 से 10 में 90, 1 से 12 में 90, और जो स्टार्टिंग इसका है, स्टार्टिंग में गेज रहेगा 27 नंबर, टर्न रहेंगे 1 से 8 पिच में 60, 1 से 10 पिच में 110, 1 से 12 पिच में 110। तो यहाँ पे पीछे रनिंग का पीछे 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12, स्टार्टिंग पीछे 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। वो टोटल जो कॉपर वेट इसका रहेगा मोटर का टोटली, तो 500 ग्राम कॉपर इस मोटर के अंदर लगता है, आधा HP की टुल्लू पंप मोटर ये होती है 24 स्लॉट की। जी हाँ दोस्तों, अगला दोस्तों खेतान 0.5 HP टुल्लू पंप, जी हाँ दोस्तों, स्टेटर साइज 1.5 इंच 24 स्लॉट का मोटर है, टोटल कॉपर वेट इसमें 800 ग्राम लगता है, और रनिंग के अंदर जो गेज रहेगा 23 नंबर रहेगा, 1 से 8 पिच में 80 टर्न, 1 से 10 पिच में 85 टर्न, 1 से 12 पिच में 90 टर्न, और स्टार्टिंग के अंदर गेज रहेगा 26 नंबर, और यहाँ पे टर्न रहेंगे 1 से 8 में 110, 1 से 10 में 110, 1 से 12 में 90। जी हाँ दोस्तों, तो ये डेटा आप आधा HP टुल्लू पंप मोटर में लगा सकते हैं जिसका स्टेटर साइज 1.5 इंच हो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।